हाय एवरीबॉडी, मैं हूं दीपिका और मैं एक सिविल सर्विसेज स्टूडेंट हूं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपने ये वीडियो ओपन किया है, तो आपको मैं वेलकम करती हूं अपने चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं बता दूं कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इस चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर्स वीडियो डाल रही हूँ। अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, किसी भी स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है सिलेबस का। तो मैं आपको करंट अफेयर्स का डेली 10 से 12 मिनट के अंदर एक वीडियो देती हूँ, जिसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं आपको न्यूज़ समझाती हूँ, करंट अफेयर्स समझाती हूँ, प्लस मैं उसमें मैप्स डाल के आपको वो समझाती हूँ, ताकि आप जब भी वो न्यूज़ पढ़ें आप मैप में लोकेट कर सकें, कि आपके माइंड में भी आप लोकेट कर सकें कि ये कहाँ की बात हो रही है। इससे आपको याद रखने में भी आसानी होगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो डालती हूँ। उसमें मैं गवर्नमेंट स्कीम्स इंक्लूड करती हूँ, मैं उसमें डिफेंस की न्यूज़ इंक्लूड करती हूँ, मैं सारे जो विधेयक आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, उनको भी इंक्लूड करती हूँ। पर्सन इन न्यूज़, सिटी इन न्यूज़, एवरीथिंग आपको सब 10 मिनट 15 मिनट के अंदर इस एक वीडियो में दिन भर का करंट अफेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 25 जुलाई 2019 की करंट अफेयर से। पहले न्यूज़ है, राज्यसभा ने प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस संशोधन विधेयक पारित किया। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल, पॉक्सो बोल सकते हैं, POCSO, पॉक्सो। इसे महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विधेयक के प्रावधान जानने, विधेयक बच्चों पर यौन हमले के लिए दोषियों को मौत की सजा प्रदान करता है। ये बच्चों के साथ होने वाले अन्याय, होने वाले अन्य अपराधों के लिए सख्त सजा का भी प्रस्ताव करता है। विधेयक का उद्देश्य बाल यौन शोषण के बढ़ते मामलों की जांच करना भी है। अधिनियम बाल पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाता है। ठीक है, तो अभी बीते साल बहुत खबरें आई हैं बच्चों के साथ ये सब सेक्सुअल ऑफेंसेस होने के, तो इसीलिए बहुत ही तेज़ मांग उठी थी, बहुत ही नीड ऑफ द आवर है कि हम कुछ संशोधन लाएं इसमें और कड़क करें हम नियम अपने देश के। तो दिस बिल वॉज प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी। एंड प्रोविजंस ऑफ द बिल क्या थे? द बिल प्रोवाइड्स डेथ पेनाल्टी, फांसी की सजा टू द कल्प्रिट्स फॉर सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन। इट ऑल्सो प्रपोजेस स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर अदर क्राइम्स दैट आर कमिटेड अगेंस्ट चिल्ड्रन। द बिल ऑल्सो एम्स टू चेक द इंक्रीजिंग केसेज ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। द एक्ट इम्पोजेस फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर रिस्ट्रेन चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैर कानूनी गतिविधियों का की रोकथाम का संशोधन विधेयक बिल 2019, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019। लोकसभा ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है। विधेयक गैर कानूनी गतिविधियां 1967 में संशोधन करता है, जिससे भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले आतंकवादी गतिविधियों, व्यक्तियों और समूहों से निपटने के लिए विशेष प्रक्रियाएं प्रदान की जाती हैं। विधेयक अभी तक राज्यसभा में पेश नहीं हुआ है, होने वाला है। ठीक है, द लोकसभा हैज पास द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019। द बिल अमेंड्स द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 वाले बिल को ये चेंज कर रहा है, अमेंडमेंट ला रहा है। प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोसीजर्स टू डील with terrorist activities, individuals and groups that foster terrorism in India, the bill is yet to be tabled in Rajya Sabha. ज़रूरत क्या पड़ी इसकी? अभी जो करंट बिल है, चल रहा है एक्ट, उसमें ज़रूरत क्या पड़ी चेंजेस लाने की? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल हैं जिससे पकड़े हुए हैं, जो टेररिस्ट के इल्ज़ाम में पकड़े हुए हैं, वो निकल जा रहे हैं, या फिर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है, काम स्पीडली नहीं हो पा रहा है, कुछ तो अटक रहा है, तो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। इसके लिए ये विधेयक लाया गया है। मुख्य विशेषताएं इसकी जान लेते हैं। ये सरकार को ये अधिकार देती है कि वो व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करे। यदि वह व्यक्ति आतंकवाद के कृत्यों में भाग लेता है या आतंकवादी के लिए तैयार करता है या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अन्यथा आतंकवाद में शामिल होता है, ठीक है, तो इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट इफ द पर्सन कमिट्स और पार्टिसिपेट्स इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, प्रिपेयर्स फॉर टेररिज्म, प्रमोट्स टेररिज्म और इज अदरवाइज इन्वॉल्व। किसी भी तरीके से आतंकवाद से जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम लिस्ट बना सकते हैं, उसको हम नामित कर सकते हैं कि ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। क्या करने की जरूरत, ऐसी क्यों करने की जरूरत पड़ी? ऐसे इसलिए करने की जरूरत पड़ी क्योंकि टिल नाउ नियम ये था कि कोई भी एक टेररिस्ट संगठन है, हमारी सरकार क्या करती थी, वो संगठन को बैन कर देती थी। तो क्या करते थे ये जो टेररिस्ट थे, वो बैन हो गई संगठन, तो दूसरे नाम का दूसरा संगठन बना के फिर एक्टिव हो जाते थे।
तो उससे क्या वो बच निकल के एक नया संगठन बना लेते थे। तो अब क्या कर रहे हैं कि पर्सन को इंडिविजुअली हम नामित कर देंगे तो वो नया संगठन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक लूप होल है, उस कमी को पूरा किया गया। अगला, बिल में महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी को ये अधिकार भी दिया गया है कि एजेंसी द्वारा मामले की जांच किए जाने पर जब्ती या संपत्ति की कुर्की को मंजूरी दे। द बिल ऑल्सो एम्पावर्स द डायरेक्टर जनरल NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू ग्रांट अप्रूवल ऑफ सीजर जब्ती और अटैचमेंट कुर्की ऑफ प्रॉपर्टी विद द केस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द एजेंसी। अब ये करने की क्यों जरूरत हुई, NIA के DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA को पावर दे रहे हैं, उसको सशक्त बना रहे हैं। क्यों सशक्त बना रहे हैं, कोई भी टेररिस्ट आतंकवादी अगर पकड़ा गया है उसकी संपत्ति ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी है, उसकी कुर्की करना है, उसकी जब्ती करने के लिए उनको जाके उस स्टेट के DGP से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो फलाने स्टेट में गए, वहाँ के DGP से पहले परमिशन लो, फिर वो करता था ये काम। अब क्या कर रहे हैं कि अब ये पावर डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA को ही दे दे रहे हैं, तो उसको किसी के अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है, वो सीधे जाके इंडिया के किसी भी स्टेट में उसका प्रॉपर्टी हो उसकी वो कुर्की, उस संपत्ति की कुर्की या जब्ती कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस थोड़ा हमारा फास्ट होगा। अगला है, ये NIA के अधिकारियों को इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के मामलों की जांच करने के अधिकार देता है। पहले केवल DSP या ACB कर पाते थे। ठीक है, इट एम्पावर्स द ऑफिसर्स ऑफ NIA ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड अबव टू इन्वेस्टिगेट केसेस। अर्लियर इट वॉज ओनली DSP एंड ACP। DSP या ACP लेवल का अगर कोई ऑफिसर है NIA में, वही उसी के पास पावर था इन्वेस्टिगेट करने का, लेकिन अब इंस्पेक्टर लेवल या उससे ऊपर को भी पावर दे रहे हैं। तो इस तरह से ओवरऑल NIA का पावर बढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है इस बिल में। आई होप आपको ये समझ में आया है इस बिल में क्या क्या विशेषता थी, क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है, अब जानते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्या है, NIA क्या है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द NIA क्या है, अधिनियम 2008 31 दिसंबर 2008 को लागू किया गया था। इस प्रकार जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जन्म हुआ था NIA। वर्तमान में NIA भारत में केंद्रीय आतंकवाद कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, द NIA एक्ट वॉज एनेक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2008 एंड दस द NIA एजेंसी वॉज बॉर्न। एट प्रेजेंट NIA इज फंक्शनिंग एज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, तो अभी चीफ ऑफ NIA कौन है, क्वेश्चन आ सकता है, YC मोदी इज द चीफ ऑफ NIA। ठीक है, ये IPS ऑफिसर है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट NIA एंड अभी जो हमने बिल पढ़ा, हमारा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल, उसके तहत हमने NIA पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL डिलीवर्स चेतक हेलीकॉप्टर टू इंडियन नेवी। इंडियन नेवी को, नौसेना को चेतक हेलीकॉप्टर HAL ने दिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक चेतक हेलीकॉप्टर दिया। ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए निर्धारित है। हेलीकॉप्टरों को नवीनतम संचार और नेविगेशन प्रणालियों से सुसज्जित किया गया है। कंपनी चेतक बेड़े को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। HAL ने पिछले 5 दशकों 50 साल से में चेतक हेलीकॉप्टरों का उत्पादन किया। ये यूरोकॉप्टर फ्रांस, अब एयरबस हेलीकॉप्टर, उस समय वो यूरोकॉप्टर फ्रांस के से लाइसेंस के तहत है, उनसे लाइसेंस लेके बनाया हुआ है। उनका ये ओरिजिनल मॉडल यूरो फ्रांस का है, यूरोकॉप्टर फ्रांस का ओरिजिनल मॉडल है। वो मॉडल हमने उनसे लाइसेंस लिया और इंडिया में उसको चेतक के नाम से बनाया। भारतीय नौसेना के लिए पहला चेतक हेलीकॉप्टर 1967 के फरवरी में आया। इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग नौसेना द्वारा संचार कर्तव्यों, यात्री परिवहन, कार्गो सामग्री परिवहन, आकस्मिक निकासी, खोज और बचाव, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक समाचार सभा, एंटी हाईजैकिंग, अपतटीय, व्हाट इज अपतटीय, ऑफशोर, अच्छा अतटीय, आई डोंट नो ऑफशोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संचालन और अंडर स्लंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिलीवर्ड चेतक हेलीकॉप्टर, दैट हेलीकॉप्टर इज शेड्यूल्ड टू द इंडियन नेवी। द हेलीकॉप्टर्स आर फिटेड विद द लेटेस्ट कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम्स। द कंपनी इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस सपोर्ट टू द चेतक फ्लीट। HAL प्रोड्यूस्ड द चेतक हेलीकॉप्टर्स फॉर द लास्ट 5 decades। इट इज अंडर लाइसेंस फ्रॉम यूरोकॉप्टर फ्रांस, उस समय पर वो यूरोकॉप्टर कंपनी का नाम था, नाउ इट इज एयरबस हेलीकॉप्टर्स। द फर्स्ट चेतक हेलीकॉप्टर टू द इंडियन नेवी वॉज डिलीवर्ड वे बैक इन फरवरी 1966, 50 साल से ज्यादा हो गए हैं।
These helicopters are used by the Navy for communication duties, that is passenger transport, cargo or material transport, casualty evacuation, search and rescue, emergency medical services, electronic news gathering, anti-hijacking, offshore operation and underslung operation. मतलब कितने सारे disaster management में अगर कहीं पे बाढ़ है या फिर cyclone है, तूफान है, वहाँ से लोगों को evacuate करना, वहाँ से लोगों को निकालना, निकासी करना, सर्च एंड रेस्क्यू, वहाँ पे मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर वगैरह क्रैश हो गया है या फिर कोई बोट या शिप गायब है तो उसका रेस्क्यू करना, उसको ढूंढना, फिर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, कहीं पे अभी जैसे माउंट एवरेस्ट पे पर्वतारोहण कर रहे थे तो उनको ढूंढने के लिए जो दो लोग वहाँ वहीं पर ही मतलब उनकी डेथ हो गई, वो मिले नहीं, उनकी उनको ढूंढने का ऑपरेशन, और इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशन में ये चेतक हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता है। ये रहा हमारा नौसेना का चेतक हेलीकॉप्टर। ओके, सो अगली न्यूज है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII इन न्यू दिल्ली। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द GII इज बीइंग लॉन्च इन एन इमरजेंसी इकोनॉमी, सॉरी इमर्जिंग इकोनॉमी, बढ़ती हुई इकोनॉमी इंडिया। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII आर को होस्टिंग द इवेंट। इतने सारे अलग 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 डिपार्टमेंट हैं, ये मिलके इस इवेंट को बना रहे हैं। DPIIT डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट और CII, ये सब मिलके ये इवेंट होस्ट कर रहे हैं। भारत सरकार ने नई दिल्ली में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII लॉन्च किया। ये पहली बार है कि GII को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था में लॉन्च किया गया है। किसने किसने किया है इसको लॉन्च? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार डिपार्टमेंट DPIIT और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संगठन एंड भारतीय उद्योग परिसंघ CII, ये सब मिलके इसका सह आयोजन कर रहे हैं। इसकी थीम क्या थी? द थीम ऑफ GII 2019 जो कि 12वां एडिशन है उसका, का थीम था क्रिएटिंग हेल्दी लाइव्स, फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन विच एम्स टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ मेडिकल इनोवेशन एज इट शेप्स द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। GII 2019 12वें संस्करण का थीम स्वस्थ जीवन का निर्माण, चिकित्सा नवाचार का भविष्य है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा नवाचार की भूमिका का पता लगाना है क्योंकि स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देता है। अब GII इंडेक्स में कौन कौन है ये देख लेते हैं। नंबर वन पे आया है स्विट्जरलैंड, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू लिव इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बेहतरीन कंट्रीज में से एक है स्विट्जरलैंड। और स्कैंडिनेवियन, ये एक रीजन होता है यूरोप में, एक रीजन है स्कैंडिनेवियन, उसको स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं। उन देशों में सबसे ज़्यादा खुशहाल नागरिक हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वर्ल्ड के हर पैमाने में ये कंट्रीज टॉप पे हैं, ठीक है। तो बेस्ट कंट्रीज टू लिव इन में ये सारी कंट्रीज आती हैं, तो GII इंडेक्स में भी जाहिर सी बात है कि GII इंडेक्स में भी यही टॉप करेंगी। अगला फर्स्ट है स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन, थर्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ नीदरलैंड्स, फिफ्थ UK यूनाइटेड किंगडम, सिक्स फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जर्मनी एंड इजराइल, ठीक है। स्विट्जरलैंड संयुक्त ने फर्स्ट आया, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जर्मनी और इजराइल। GII सूचकांक में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। एक्सक्यूज मी, तो ये देखिए आप यूरोप का मैप है, ये मैं इस पोर्शन की बात कर रही थी, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पोर्शन। ये वर्ल्ड मैप का यूरोप वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ पे ये कजाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान, और ये यहाँ पे ऐसे इंडिया रहेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है हिमालय का पोर्शन है, तो आप समझ गए होंगे मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। दिस रीजन इज कॉल्ड द स्कैंडिनेवियन रीजन। कौन कौन आता है? नॉर्वेजियन सी है यहाँ पे, इसमें आता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ठीक है, ये सब यहाँ पे है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? हमने नॉर्वे पढ़ा, लिस्ट में नाम किस किस का था, स्वीडन का नाम था, फिनलैंड का नाम था, ये रहा यहाँ पे जर्मनी, ये हमने कल यहाँ UK की बात की थी, ये UK का एक द्वीप है, और ये आयरलैंड का ऊपर वाला पिंक पोर्शन, ये भी UK है, इसको आयरलैंड बोलते हैं, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको यूरोप में लोकेट कर लिया है, किन किन कंट्रीज। फिर उसके बाद सिंगापुर भी था इसमें नाम, जर्मनी, सिंगापुर, डेनमार्क, इजराइल, ठीक है, तो इसराइल तो यहाँ पे है,
अपना एशिया में आता है तो इसराइल यहाँ पे रहेगा, बाकी सिंगापुर इंडिया के बगल में, मतलब बांग्लादेश के और उस तरफ एक छोटा सा कंट्री, सिटी के बराबर है सिंगापुर, सिंगापुर भी है इसमें, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है सिंगापुर भी। तो इस तरह से हमने यूरोप में ये देखिए लोकेट कर लिया सबको, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यूके और कौन कौन से थे इसमें, स्विट्जरलैंड। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा जीआईआई में? इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज 52, इंडिया की रैंक आई 52 विच शोज इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट है 5 पॉइंट की, क्योंकि पिछले साल हम 57 रैंक में थे। ठीक है, इंडियाज रैंकिंग हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड इज अमंग द टॉप इन द वर्ल्ड इन इनोवेशन ड्राइवर्स सच एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एक्सपोर्ट ग्रेजुएट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड क्रिएटिव गुड्स एक्सपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 52 है, जो कि पिछले वर्षों की रैंकिंग से 5 अंकों का सुधार दर्शाती है। 57 थी पिछले साल की रैंकिंग। भारत की रैंकिंग पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का निर्यात, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, सकल पूंजी निर्माण जैसे नवाचार ड्राइव कर रहे हैं इसको, दुनिया में शीर्ष पर है। अर्थव्यवस्था व्यापी निवेश का एक उपाय ये, और रचनात्मक वस्तुओं का निर्यात, ये सब चीजें इंडिया में हो रही है, इसलिए इंडिया की रैंकिंग सुधर रही है। भारत दुनिया के शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूहों में खड़ा है। बेंगलोर, मुंबई और नई दिल्ली के साथ शीर्ष 100 वैश्विक समूहों में शामिल है। भारत मध्य और दक्षिणी एशिया में सबसे नवीन अर्थव्यवस्था है। इंडिया स्टैंड्स आउट इन द वर्ल्ड टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स विद बेंगलोर, मुंबई एंड न्यू दिल्ली फीचरिंग अमंग द टॉप 100 ग्लोबल क्लस्टर्स। इंडिया कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, अ डिस्टिंक्शन हेल्ड सिंस 2011। ठीक है, तो इंडिया मध्य और दक्षिणी एशिया की सबसे नवीन अर्थव्यवस्था है। रैंकिंग थी 52 और ये सारे इसके रीजंस दिए गए हैं कि किस रीजन से इंडिया टॉप में है, ये यहाँ पे हिंदी में भी दिए हुए हैं। ये सारे इन सारे रीजंस की वजह से इंडिया की इकोनॉमी अभी उभरती हुई है और अभी सबसे नवीन अर्थव्यवस्था है और नवाचार का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आगे बढ़ते हैं, गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ये बहुत न्यूज में है। गाया एक अंतरिक्ष वेधशाला। ठीक है, तो गाया कहाँ की वेधशाला है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA की वेधशाला है। तो जिस तरह से अमेरिका का नासा है, हमारा इसरो है, उसी तरह से यूरोप के 22 देश मिलके ESA बनाते हैं। अभी जो हम मैप में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ के 22 देश मिलके ESA बनाते हैं। तो ESA ने क्या किया है, जिस तरह से अमेरिका का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक स्टेशन जैसे हमारा रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है, उस तरह से स्पेस पे, अंतरिक्ष में बनाया हुआ है अमेरिका ने ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो गाया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक अंतरिक्ष वेधशाला है जो 2013 में लॉन्च किया गया था और ये कंटिन्यू करने वाली है 2022 तक, मतलब 9 साल, लगभग 9 से 10 साल तक ये ऊपर रह रही है और 2022 तक ही रहेगा स्पेस में। अंतरिक्षयान को खगोल विज्ञान के लिए डिजाइन किया गया है। अभूतपूर्व सटीकता के साथ सितारों की स्थिति, दूरी और गति को मापना इसका काम है। मिशन का लक्ष्य अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सटीक 3D स्पेस कैटलॉग बनाना है। ठीक है, गाया अंतरिक्ष वेधशाला के आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने पाया है कि मिल्की वे, जो हमारी सूर्य और अरबों अन्य सितारों का घर है, लगभग 1000 करोड़ साल पहले एक कॉस्मिक टक्कर में एक अन्य छोटी आकाशगंगा के साथ विलय हो गया था। तो अभी अपन ने जो अपना सौर्य सिस्टम है, जो सोलर अपना सिस्टम है, उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह है, हमारा सूर्य है, हमने उसकी फोटो बचपन से स्कूल में देखते हुए आए हैं। हमने मिल्की वे की भी फोटो देखी है कि ऐसे चक्र जैसा है, थोड़ा लंबा सा चक्र है, एकदम एग्जैक्ट गोल नहीं है, थोड़ा लंबा सा गोल है। तो मिल्की वे की भी हमने फोटो देखी हुई है, लेकिन गाया क्या कर रही है, ये पूरे स्पेस का एक 3D स्पेस कैटलॉग, एक तरह से स्पेस मैप बना रहा है वर्ल्ड के, स्पेस के सारे जितने भी गैलेक्सी हैं, जितने भी सितारे हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी खगोलीय खंड हैं, पिंड हैं, इन सबको मिला के एक 3D स्पेस इमेज बनाने के एम से, उस इमेज बनाने के टारगेट से गाया अंतरिक्ष पे गया है। तो उसने अभी क्या पता लगाया है कि जो हमारा मिल्की वे है, वो अभी 1000 करोड़ साल पहले एक दूसरी आकाशगंगा के साथ विलय होके बड़ी हुई है वो।
बड़ी हो गई साइज में। तो इसमें इसमें मैंने पढ़ा है कि ये बताया गया कि पहले शुरुआत में अरबों खरबों साल पहले सारी जो आकाशगंगाएं थी वो छोटी 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 थी, फिर वो उनका अचानक से एक दूसरे से टकरा गई और उनका विलय हो गया, और उस विलय के बाद फिर वो एक बड़ी गैलेक्सी बन गई। तो ये अभी गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने ये ऑब्जर्व किया है। गाया इज अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च इन 2013 एंड एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट अंटिल 2022। द स्पेस क्राफ्ट इज डिजाइन फॉर एस्ट्रोमेट्री, ठीक है, खगोल विज्ञान, मेजरिंग द पोजिशंस डिस्टेंस एंड मोशंस ऑफ स्टार विथ अनप्रेसिडेंटेड प्रिसिजन, मतलब सटीकता से। द मिशन एम्स टू कंस्ट्रक्ट बाय फार द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज, सबसे सटीक 3D स्पेस सेंटर स्पेस कैटलॉग ओवर एवर मेड, मतलब अब तक का सबसे प्रिसाइज सबसे बड़ा 3D स्पेस कैटलॉग बनाएगा। बेस्ड ऑन द गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी डेटा साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मिल्की वे, जो कि हमारा घर है, होम टू आवर सन एंड बिलियंस ऑफ अदर स्टार्स, मर्ज्ड विथ अनदर सिमिलर स्मॉलर गैलेक्सी इन अ कॉस्मिक कॉलिजन रफली 10 बिलियंस ईयर्स अगो, 1000 करोड़ साल पहले करे वो टकरा के विलय हो गया उनका। तो हम देखते हैं कि ESA कहाँ पे है, ESA है, उसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। तो ये वर्ल्ड मैप पे ये यूरोप है, यूरोप और एशिया लगभग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये पूरा एक ही खंड है, लेकिन ये अभी तक ये चल रहा है कि ये अलग महाद्वीप माना जाता है और ये अलग महाद्वीप माना जाता है। तो यहाँ पे है फ्रांस, ये रहा अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर ये रेड वाला पोर्शन फ्रांस है, यूके के बीच में एक समुद्र है उसके नीचे फ्रांस आता है। इसको जूम करके देखते हैं, इंग्लिश चैनल के ऊपर यूके है और इंग्लिश चैनल के नीचे फ्रांस है, यहाँ बेल्जियम है, जर्मनी है, ये रहा स्विट्जरलैंड हमारा, जो कि GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया था इसने, इटली के ऊपर है वो, ठीक है। तो ये रहा फ्रांस और ये रहा पेरिस, यहाँ पे क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर है, ओके, इसलिए मैं ये मैप आपको समझा रही हूँ। तो चलिए, ये था 25 जुलाई 2019 का करंट अफेयर्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, सब अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब आप जब भी न्यूज़पेपर उठाएंगे आपको काफ़ी कुछ न्यूज़ समझ में आएगी कि हाँ मैं ये जानता हूँ, हाँ मैंने ये देखा है, ये वर्ल्ड मैप में ये कंट्री कहाँ पे है, तो आपका भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, टैप द बेल आइकॉन एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा वीडियो लगाइए। ऑल राइट, थैंक यू, दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय।